नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के बेलचरी में रोटरी क्लब ने बच्चों को वितरित किए फलदार पौधे। रोटरी क्लब धनबाद मिड टाउन एवं पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को निरसा के बेलचड़ी स्थित किड्स एजुकेशन स्कूल के बच्चों को विभिन्न किस्म के 105 फलदार पौधों का वितरण किया और विद्यालय परिसर एवं आसपास पौधारोपण किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने कहा कि प्रकृति की छेड़छाड़ के कारण हम लोग विभिन्न तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। रोटरी क्लब इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। पतंजलि योग समिति के जिला संयोजक मंजीत सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के बगैर पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। जब हमारे संवाददाता पप्पू केवट ने डॉक्टर संतोष राज से बात की तो उन्होंने बताया सचिव राहुल गोयल, ए.के. साणवार, प्रवीण कुमार, मनोज सिंह हर चेहरे पर मुस्कान की सदस्य ललिता चौहान, कांग्रेस राज्य विभाग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार राय, तपेश्वर चौहान आदि मौजूद थे। धनबाद जिला ब्यूरो, पप्पू केवट की रिपोर्ट। आज रोटरी क्लब के तत्वाधान में और हमारे निरसा किड्स स्कूल जिसके चेयरमैन तपेश्वर चौहान जी हैं, उन्हीं के संरक्षण में आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जो बहुत ही अच्छा और समाज के सभी तत्वों का एक अच्छा योगदान है। और इसके लिए विशेष रूप से हम रोटरी क्लब धनबाद और किड्स स्कूल के चेयरमैन को हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। बारे में बताएं, जो वृक्षारोपण जो किया जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से पौधे का सर आज वितरण किया गया बच्चों में? आज का वृक्षारोपण मुख्य रूप से रोटरी क्लब धनबाद की ओर से ये किया गया है। जो हम लोग किड्स एजुकेशन जो बेलचड़ी में तपेश्वर चौहान जी चलाते हैं, इसी स्कूल में हम लोग आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। छोटे छोटे बच्चों को हम लोग ये वृक्ष भी दे रहे हैं, जिसमें आम है, आंवला है, नीम है, बहुत से अपने पौधे जो फल देंगे, छांव देंगे। आज जो किड्स स्कूल में पहुंचे हैं अपना बहुमूल्य समय देकर, मैम कौन सा वृक्ष लगाने के लिए अपील करेंगे जनता से? वृक्ष तो अपने आप में सब अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है, क्योंकि हर आम हो, चाहे नींबू का पेड़ हो, चाहे छोटा छोटा पौधा हो, फूल का हो, लेकिन अपने आप में तो सर्व अपने जगह पे सर्वश्रेष्ठ। जो खुद धनबाद से चलकर यहाँ कृष्ण बेलचड़ी यानी हमारे क्षेत्र बेलचड़ी को वृक्षारोपण में हरी भरा हरा भरा करने के लिए सोचे, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? धनबाद से आए हुए लोटेकों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है और अधिकतर देश में जीने के लिए या कहीं भी ऑक्सीजन मस्ट है, और मोस्ट है इसलिए है कि जब तक पेड़ नहीं लगेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसके लिए भी पेड़ लगना और पेड़ लगाना जरूरी है। प्रोग्राम क्या है जो किस स्ट्रक्चर में रखा गया है? आज का प्रोग्राम है वृक्षारोपण प्रोग्राम। हम लोग धनबाद से आए हैं रोटरी क्लब ऑफ धनबाद मिड टाउन, जिसमें हमारे ए.के. साणवार अंकल, विद्या भैया, राहुल जी सेक्रेटरी और प्रणव भैया। हम लोग में क्या है कि एक साल में प्रेसिडेंट जो है अपने आप चेंज होते हैं, मतलब हम लोग 3 साल का प्रोग्राम बना के चलते हैं, प्रत्येक साल अलग अलग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होते हैं ताकि लीडरशिप जो है डेवलप किया। आज यहाँ पर इस निरसा के स्कूल के प्रांगण में आकर के एक्चुअली आई फेल्ट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड सेटिस्फाइड। बहुत ज़्यादा हमको ये गर्व महसूस होता है यहाँ के एक एक बच्चे, यहाँ के एक एक अभिभावक, यहाँ के एक एक शिक्षिका, और यहाँ का वातावरण इतना सुखद है। इस सुखद वातावरण में पेड़ पौधा नहीं लहराए, पेड़ पौधा आगे नहीं बढ़े, ये हम रोटरी क्लब खुद चलकर आपके किस संकट को वृक्षारोपण का यानी वृक्ष देने के उद्देश्य से आए सर, क्या कुछ कहेंगे रोटरी क्लब वाले? रोटरी क्लब धनबाद को हमारे विद्यालय की ओर से बहुत बहुत आभार, विद्यालय परिवार की ओर से, और सतीश जी खास तौर पर आए हुए सतीश सिंह और इनकी टीम, हम उन सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।